हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात बाढ़ और बारिश की। पूर्वी भारत का बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। असम और बिहार में तबाही मचा रही है बाढ़। बिहार के गोपालगंज में 18 साल बाद अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। घरों में पहुंचा बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी से इंसान से लेकर मवेशी सब परेशान। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज में देवापुर गांव की। उधर से ही उधर गड्ढा है, यहाँ के पास गड्ढा है यहाँ। जहाँ पास में ही गंडक नदी पर बने सारण बांध के टूटने से आसपास के गांवों में पानी घुस आया है। इस वक्त मैं गोपालगंज के देवापुर गांव में मौजूद हूँ और अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये बांध के दूसरी तरफ का हिस्सा है। ये बांध टूटने के बाद जो गांव के अंदर दूसरे इलाकों में पानी घुस रहा है उसकी तस्वीरें हैं। आप देखकर अंदाजा लगाइए कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के बीच से जो पानी आ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी का बहाव है। मैं जो छड़ी लेकर यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये अगर मैं पानी में डालता हूँ और इस पर जोर नहीं लगाता हूँ तो कितनी तेज बहाव है, कितना तेज बहाव है कि ये छड़ी तिरछी हो जाती है। गाँव में जल भराव इतना है कि लोग लाठी के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर है। रास्तों से होते हुए बाढ़ का पानी अब लोगों के घर में जा घुसा है। ये 18 साल के बाद यहाँ पे बाढ़ आया है। सब लोग, किसी को कुछ तैयारी नहीं था, ना कोई पीने का पानी का सुविधा है, ना कुछ है। अभी तक सबके घर में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ किचन में पानी घुस गया है, ना खाने की व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ की कोई सूचना नहीं। ग्रामीणों ने खुद जब प्रशासन को बांध के बारे में खबर की तब भी सोया हुआ प्रशासन नहीं जागा। कल सुबह हम लोग 8 बजे बांध पे SDO को टेलीफोन द्वारा खबर दिए, सूचना दिए। DM को कॉल किया, DM ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद भी रात 8 बजे तक कोई नहीं आया प्रशासनिक स्तर पे। रात को जब रिंग बांध टूट गया तो रात को 12 बजे ये लोग खाना पूर्ति के लिए खाली पहुंचे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब बाढ़ ने सब डुबाया तो सड़क बनी लोगों का सहारा। बाढ़ से परेशान लोगों ने सड़क पर ही अपना डेरा जमा लिया। ये पूरे हिस्से के सड़क के बीच में ऐसे लोग हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर इनके साथ साथ मवेशी भी हैं और कुछ ऐसे भी जगहें हैं जहाँ पर लोग अब सिर्फ आकर बसना शुरू हुए हैं। और देखिए, केवल गोपालगंज ही नहीं बल्कि बिहार के दर्जन भर जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। बिहार के मधुबनी में बाढ़ ने लोगों के घरों के साथ साथ दो वक्त की रोटी भी छीन ली है। कोई भी मतलब बाहरदार कुछ भी आया, कुछ भी नहीं दिया है। अब बताइए, घर वाला भी परदेश में है, वो 1 रुपया नहीं देता है, बाल बच्चा का कैसे गुजर कटेंगे। बाढ़ के डर से परेशान सिस्टम से सवाल करती ये तस्वीरें सरिता देवी की हैं। बिहार में मधुबनी के बांकी गांव में बाढ़ का पानी पहुंचा तो गांव में बना सरिता देवी का कच्चा घर भी डूब गया। ये सरिता देवी है और सरिता देवी के घर में ही हूँ। जरा आंगन की तस्वीरें भी देखिए, हालात देखिए। बच्चे के कपड़ा दीदी यहाँ पूरे घर में जो है वो पानी है और ये पानी इनके घर तक था और अभी जो पानी कम हुआ है तो इस तरीके का हालात है। पति दिल्ली में मजदूरी करते हैं, कोरोना काल आया तो पति का रोजगार छिन गया। बच्चों से लेकर परिवार की जिम्मेदारी सरिता देवी के कंधों पर आ गई। लेकिन बाढ़ जैसी त्रासदी के समय खाने के नाम पर सिर्फ उंगली पर गिना जाने वाला राशन सरिता देवी के पास बचा। वो 1 किलो प्याज लाया, 1 किलो आलू, सब 2 दिन से खाया, आज का लिए फिर भूखे रह जाएगी। आया 2 आलू रह गया, 3 प्याज रह गया है, उतनी से चावल है, आटा भी सद गया है सारे। सरकारी नुमाइंदों को सरिता देवी के आंसुओं में छिपा ये दर्द नहीं दिखता, ना ही दिखती है वो पीड़ा जो दो वक्त की रोटी नसीब ना होने के कारण सामने आ रही है। कोई भी नहीं, इतना वोट भी दिया, कुछ भी दिया, हमारा अभी तक 1 रुपया नहीं कोई देता है। कोई भी मतलब बाहरदार कुछ भी आया, कुछ भी नहीं दिया है। अब बताइए, घर वाला भी परदेश में है, वो 1 रुपया नहीं देता है। बाढ़ के सितम से परेशानी की ये कहानी अकेले सरिता देवी की नहीं है, पूरा गांव ही बाढ़ के दर्द की कहानियों से भरा पड़ा है। सब किसके दिक्कत कट कट का ऊपर ले गए, बाल बच्चा दिक्कत काटे, बेटी पुत्र सब दिक्कत काटे, की करो। बाढ़ आई तो मंजू देवी का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। थोड़ा बहुत राशन था वो भी कुछ दिनों में खत्म हो गया। अब ना तो राशन है, ना ही घर का चूल्हा जल सकता है। कुछ
कुछो नहीं है, देखने छे न राशन है, न राशन है, न आलू है, न प्याज है, न कुछो, न मिर्ची है, कुछ नहीं है, सब जाते है आने लो। परेशानी यही खत्म नहीं होती, अगर आपको गांव से बाहर जाना है तो जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ेगा। पानी के दुर्गम रास्ते से जहां ये भी पता नहीं कि कहां दलदल है, कहां खाई है। ऐसे राशन पानी को बच्चे बुच्ची के कहीं कुछ करना है, लेना है, दवाई दारू करना है, ऐसे ही जाते हैं बाजार, हेली की जाता है, कपड़ा भींगा भींगा कर रोजे जाते। बेहद दर्दनाक तस्वीरें बिहार से। अब आपको दिखाते हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर, जो नेपाल से आने वाली नदियों के उफान के कारण जलमग्न है। पूरा इलाका पानी से घिरा हुआ है, जिसे कहते हैं कि जल प्रलय। कल शाम तक या फिर कह लें कि कल रात तक इधर कोई पानी नहीं था, बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद गोपालगंज का ये इलाका, देवापुर का जो इलाका है, ये देखिए बस्तियां और गांव किस तरीके से पानी से घिर गए हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, लोगों को, जो जो लोग घर में फंसे हुए हैं उनको निकाल करके सुरक्षित जगहों पर, जो ऊंची जगहों पर जा सकते हैं। ये देखिए कोई घर जो है वो सीढ़ियों तक डूबा हुआ है। रातों रात जलमग्न होने की ये तस्वीरें बिहार में गोपालगंज के देवापुर गांव की हैं, जहां महज 24 घंटे पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह जब लोग जागे तो उन्हें चारों तरफ एक ही चीज देखने को मिली, पानी, पानी और सिर्फ पानी। कल तक जिन घरों में लोग रह रहे थे, आज उन घरों में गंडक नदी से आए पानी ने तबाही मचा रखी। नेपाल से पानी आया और देखते ही देखते लोगों से लेकर मवेशी पानी की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। महज 5 सेकंड का वक्त और पलक झपकते ही पूरा मकान पानी में समा गया। जिस छत के नीचे बैठकर कभी बच्चे दुनिया भर की तालीम हासिल करते थे, आज वो छत बाढ़ की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां 3 कमरों वाला स्कूल कोसी नदी में समा गया। इसके बाद गांव वालों ने कोरोना के खतरे को ध्यान में नहीं रखा और गिरे हुए स्कूल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बाढ़ से डूब गए लोगों के घर, बचा खुचा सामान लेकर पलायन को मजबूर लोग। बाढ़ से बेहाल करती ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर में कल्याणपुर गांव की हैं, जहां बाढ़ ने फिलहाल लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा में पानी है, अंदर सब में पानी घुसा हुआ है। हाँ, थोड़ा ऊंचा ऊंचा पर मकान है, उसमें आदमी अटका हुआ है, लेकिन एक दो रोज में सब चलाएगा यहाँ बांध पे। गांव के बीच में नाव चलाते लोग, गांव में पानी का भराव इतना कि लोग बाढ़ के पानी में नहाने लगे। तस्वीरें बिहार के सहरसा जिले की हैं, जहां लोगों को बाढ़ के पानी से बचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। नेपाल के तराई में लगातार बारिश से कोसी नदी उफान पर है। कोसी नदी का ये पानी सहरसा के लगभग 2 दर्जन गांवों के लिए आफत बन गया है। प्रशासन के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी साफ देखने को मिली। स्थिति तो देख रहे हैं, जो हम लोग को पानी पानी है, सरकार यहां से अभी कोई व्यवस्था नहीं है, न नाव है, न कोई पानी है, न कोई राशन है, न कोई सुविधा नहीं चल रहा है।